हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। गाइस सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं। तो जी गाइस, मॉर्निंग हो गई है और नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, बच्चों को भी करवा दिया है, बच्चे उठ गए हैं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और अभी भी मतलब आँखों में नींद नींद सी हुई है, मैं दवाई खा रही हूँ ना, तो उससे ना ऐसा है ना, मतलब ऐसा लगता है बस सो जाओ। तो जी गाइस देखिए, अभी ये जो है कुछ काम नहीं हुआ है और पूरा घर जो है फैला हुआ है। अभी फटाफट से हम करेंगे काम, फिर आपको दिखाते हैं और देखिए कितने फटाफट से हमारा। तो जी गाइस देखिए, हमारे घर का काम वाम सब हो चुका है, नमाज से भी हम फारिग हो गए थे और माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा है ना, कितना अच्छा है। तो जी गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, वो मैं पहले से ही करके रख दूँगी। ये देखिए, ये हमारा मशीन का कीमा निकला हुआ है, इसे मैंने वॉश करके और उसके सारा पानी निकाल के फिर मैंने इसका कीमा बनवा लिया था। अब जो है हम इसे क्या बनाएंगे, हम इसके बनाएंगे सीख कबाब। ये 1 किलो कीमा है और ये देखिए थोड़ा मैंने अलग कर लिया है, ये 250 ग्राम करीब कीमा है। इसके हम बनाएंगे कीमे की गोली। तो हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। जी गाइस देखिए, हमने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का हमने इसके अंदर पेस्ट डाल दिया है। और ये मैंने जो है कुछ मसाले निकाल लिए हैं, ये 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच इसमें हमारा 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून हमारा धनिया पाउडर है और 1 ही टेबल स्पून हमारा इसमें मिर्च पाउडर है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें ये डाल देंगे और इसमें हम अपनी 2-4 हरी मिर्चें कट कर लेंगे, इसमें प्याज कट कर लेंगे और इसके अंदर हरा धनिया कट कर लेंगे और इसको मिला के हम अच्छे से रख देंगे। तो जी गाइस देखिए, ये सब चीज़ें हमने इसमें जो है मिक्स करके मिला के खूब अच्छी तरीके से रख दी है और इसको हम रख देंगे ढक के अलग। और ये मैं एक मैंने कबाब बना लिया है, मैं इसे चेक के देख रही हूँ सही बनेगा या नहीं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इस कीमे की गोलियों के लिए हमने निकाल ली है, इसमें निकाला है हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबल स्पून हमने गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हम ये सब चीज़ें इसमें मिला देंगे और इसमें हम काट लेंगे अपने हरी मिर्चें 3 से 4, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 प्याज इसमें कट कर लेंगे और साबुत धनिया भी डलेगा, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जी गाइस देखिए, हमने इसमें सब चीज़ें मिला दी हैं, जैसे मैंने दिखाया था मसाला, इसमें हरी मिर्चें काट ली थी 2 से 3 और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बेसन ताकि ये तेल में जाके फटे नहीं। तो चलिए मिलाते हैं इसको, फिर इसमें बेसन मिला कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी गाइस देखिए, मैंने सब चीज़ें जो है मिला के मिक्स कर ली है, अब हम इसको तेल में तलेंगे। पहले मैं ना यहाँ सारा किचन समेट दूँगी, बर्तन धो लूँगी, अभी मुझे आटा भी गूंदना है। और ये देखिए हमारे 1 कबाब जो है बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए कितना जूसी और कितना टेस्टी और कितना अच्छा बना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा तोड़ के खा भी लिया है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बना है। ये देखिए एकदम अंदर तक सिक गया है, ये देखिए और गर्म हो रहा है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। तो बहुत चटपटा बना है, आप भी ट्राई करिएगा। और गाइज आप कहेंगे कि हमने सेका नहीं, हमारे पास भट्टी है नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये मेरा नॉन स्टिक फ़ैन है, तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ। तो हम जब सब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो जी गाइस देखिए, आटा वगैरह हमारा सब गुन गया है और ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैंने बना दी है चाय, तो आज सुबह में चाय नहीं पी थी, बस अंडे ब्रेड खा लिए थे, बच्चों को खिलाते थे गर्मी के मारे। तो मैंने कहा चलो अब शाम हो रही है तो थोड़ी सी चाय हो जाए। ये है नमक पारो, बच्चे अपने केक रस लिया है, तो चलिए पीते हैं फटाफट से अपनी चाय भी, चाय के बाद मिलेंगे। तो जी गाइस, रोटी वगैरह सब पक चुकी है और ये देखिए इधर मैंने प्याज भी कट कर ली है, अभी मैं इसको निकाल लूँगी। और किचन हमारा साफ सुथरा पड़ा हुआ है, इधर हमने निकाल लिया है कीमा और ये देखिए इधर हमारे फ्राई हो रहे हैं कबाब। तो बताइएगा कबाब कैसे लग रहे हैं हमारे माशाल्लाह से, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए, ये देखिए। और आप भी बना के ज़रूर खाइएगा,
बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हो और कैसे बनाते हैं। और गाइस आप कहेंगे ये मेरी सीखे पता नहीं कहाँ रखी हुई, मैं रखकर भूल गई हूँ। और ये हमारा मतलब बच्ची का दूध धोने की बोतल का है, तो आप सोचेंगे नहीं नया है, और इसको मैंने धो के एकदम साफ़ सुथरा कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं कबाब बनाकर इसमें डाल रही हूँ। तो आप बताइएगा आपको हमारे कबाब की रेसिपी कैसी लगी और हमारे कबाब देखने में कैसे लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के, बहुत अच्छे मज़े हैं। तो जी गाइस देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह बनकर तैयार हो गए हैं, और जहाँ मुझे भेजना था मैंने वहाँ भेज दिए हैं। और ये देखिए लाल चटनी, ग्रीन चटनी, और ये आ गई है हमारी कटी हुई प्याज। तो चलिए दस्तरखान बिछा लेते हैं, खाते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि मुझसे तो रहा नहीं जा रही है। और किस किस के मुँह में पानी आएगा, आया तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अपना दस्तरखान बिछाते हैं, ले जाते हैं किचन में गर्मा गर्म कबाब, सॉरी रूम में, किचन में तो खड़े हैं हम। तो चलिए अपना दस्तरखान बिछाते हैं, हम खाते हैं खाना, मिलेंगे खाने के बाद। तो जी गाइस खाना वगैरह जो है सब हो चुका है, और जो है हमने मतलब कि बर्तन वगैरह भी धो लिया है, सारा काम से निमट चुकी हूँ। और जो है बस आज का व्लॉग जो है हम इतना ही रखते हैं। और किस किस को हमारी रेसिपी पसंद आई तो बताइएगा प्लीज़। और हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि पूरी रेसिपी नहीं दिखाते हैं, मैंने पूरी रेसिपी दिखाई थी, कीमे की गोली मैंने आज बनाई नहीं है, वो मैं कल बनाऊंगी, तो मैं आपको कल दिखा दूंगी। क्योंकि बहुत से कहते हैं ना कि आधी अधूरी दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी और कैसे बने और आप किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, इसलिए मैं ऐसी हो रही हूँ, फीवर भी मतलब हो गया है। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।